बक्सर के करहसी में पूर्व मुखिया के पुत्र की हत्या मामले में आक्रोशित लोगों ने एक तरफ जहां सदर अस्पताल के पास सड़क जाम कर दिया था, वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी पहुंच गए। इसके साथ ही भाजपा नेता परशुराम चतुर्वेदी भी मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचे सदर विधायक ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। तत्पश्चात उन्होंने SDPO को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि 5 दिनों के अंदर हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। मौके से विधायक ने SP से बात की तथा उन्हें भी यह कहा कि 5 दिनों के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए अथवा जनता के साथ विधायक स्वयं सड़कों पर उतरेंगे और उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। विधायक ने कहा कि जिस तरह से हत्याएं लगातार हो रही हैं, कहीं से भी यह सुशासन का राज मालूम नहीं पड़ता। उधर भाजपा नेता परशुराम चतुर्वेदी ने कहा कि मंत्री सह सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने भी SP और DM से बात की है तथा उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में सदर विधायक के हस्तक्षेप के बाद जाम समाप्त हुआ तथा लोगों ने यह कहा कि वह फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन यदि जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वह सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। विधायक ने भी इस बात पर सहमति जताई, तब जाकर जाम को हटाया गया तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सदर विधायक ने कहा कि वह बक्सर की जनता पर हो रहे किसी भी अत्याचार के खिलाफ सदैव आवाज उठाते रहेंगे। सदर विधायक ने क्या कहा, आप भी सुनिए। बक्सर में लगातार हो रही है गोलीबारी, देखिए 15 दिन में ये 12वीं गोलीबारी। मैं बता रहा हूँ, ये चिंतनीय विषय, और अभी तत्काल रूप में SP साहब छुट्टी पर गए हैं और छुट्टी पर जाने के पहले हमारी वार्ता हुई थी इस संबंध में कि बक्सर में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। तो कहा उन्होंने, और मेरे साथ साथी हमारे थे, कहा उन्होंने कि मैं छुट्टी से 4 तारीख को लौट करता हूँ विधायक जी, तो इस पर अग्रतर कार्रवाई करूँगा और जो भी अभी क्राइम हुए हैं उनमें गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और आश्वस्त किया है कि हमारे आने के बाद इस पर आपके साथ बैठ करके मंथन किया जाएगा और इस पर विचार करके उन तमाम अपराधियों को घेरने का और लगाम लगाने का काम किया जाएगा। सरकार कहती है कि कानून का शासन, ये कैसा कानून का शासन है? यही तो हम लोग विधानसभा में ये प्रश्न उठा था कि एक तरफ आप बात करते हैं कि सुशासन की सरकार और एक तरफ गोलियां और लाठी और भाला और चक्कू से लोगों की हत्याएं हो रही हैं। आप शराबबंदी कराए हैं और शराबबंदी के नाम पर होम डिलीवरी यहाँ दारू हो रही है। ये सदन का मामला था, सदन में हम लोगों ने उठाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि सदन में हम लोगों ने किस तरीके से शराबबंदी को लेकर के और लूट हत्या को लेकर के हम लोगों ने सरकार को घेरने का काम किया था। तो इस पर यह विचारणीय विषय है और मैं चेतावनी भरे अंदाज में प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के लिए कि 5 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम सभी उतरकर सड़क पर आंदोलन करेंगे। बक्सर में लगातार ये गोलीबारी की घटना हो रही है, क्या वजह है? धान कटवा रहे थे, पूर्व मुखिया के लड़का है, मुन्ना सिंह पूर्व मुखिया उनके लड़के हैं, धान कटवा रहे हैं, उनको अपराधियों द्वारा गोली मार कर हत्या किया गया है, सब लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर 15 दिन आयु के भेजा गया है, 15 दिन के भीतर गोलीबारी की 12वीं घटना है, बक्सर पुलिस का क्या रही है? छापेमारी कार्रवाई हो रहा है, गिरफ्तारी भी हुआ है, ठीक ना? पुलिस का काम केवल छापेमारी तक सीमित रह गई है? ऐसी बात नहीं है, कार्रवाई सभी में माना जाए कि कानून का खौफ अब नहीं है अपराधियों में? ऐसा बात नहीं है, खौफ है,